I'm Harshi Jangi, founder of Cartist. Cartist basically is आपको जैसे नाम से प्रतीत होता है कि कार आर्ट एंड आर्टिस्ट का संगम है. To bring automobile and art together, we are trying to build a culture India में जिस automobile art culture के नाम से हम कोशिश कर रहे हैं कि Cartist platform बनाए जहाँ पर automobile art culture को promote कर सकते हैं. साथ ही साथ हम sustainable solutions पे भी बहुत काम कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये furniture जो है ये सारा scrap से बना हुआ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लास्ट ईयर लॉन्च करी जिसका मेन मकसद है जो पुरानी गाड़ियों पर पॉल्यूशन क्रिएट करती है रोडों पर उनको स्क्रैप करा जाए और उन स्क्रैप गाड़ियों का क्या करा जाए उसका प्रयास हम लोग कोशिश करें कि हम कैसे उन पुरानी गाड़ियों का फर्नीचर को कन्वर्ट करें जो ऑफिस और घरों में यूज कर सकें. तो ये प्रयास कार्टिस्ट का सस्टेन के थ्रू है. कार्टिस्ट कोशिश कर रहा है कि हम यंग आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स और जो हिंदुस्तान के व्यूवर्स हैं उनको कैसे कोलैबोरेट करके अपने फर्नीचर के थ्रू दिखाया जाए आर्ट एंड कल्चर को. ये मकसद कार्टिस्ट का चल रहा है. तो प्रयास कई वर्षों से कार्टिस्ट कर रहे हैं. हम लोग फेस्टिवल करते हैं कार्टिस्ट फेस्टिवल हर साल. उसके अलावा हमने दो यात्राएं करी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हमने ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट ऑटोमोबाइल आर्ट कल्चर. उसके अलावा हम लोग आजकल सिस्टम सॉल्यूशंस की तरफ बहुत प्रयास कर रहे हैं जिसमें आप ये फर्नीचर देख रहे हैं इसको हम लोग कर रहे हैं. सो मैं विंटेज कार रिस्टोर करता हूँ जयपुर शहर में और ड्यूरिंग माय रिस्टोरेशन समय पर मैंने कुछ ऑटोमोबाइल आर्ट वर्क को इकट्ठा करने की कोशिश करी. उस दौरान मैंने कुछ यंग आर्टिस्टों को संपर्क करा और उनके साथ में कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट शुरू करे. एक स्टेज पर गए उन प्रोजेक्ट्स को मेरे को रोकना चाह रहा था लेकिन जब मुझे पता चला कि दिस इज द ब्रेड एंड बटर फॉर दीज आर्टिस्ट जब मैं छोटा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था उसमें वो उनका ब्रेड एंड बटर था. तो हमने सोचा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि हमने कोशिश करी कि एक फेस्टिवल करा जाए जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों को आर्ट फर्टर्निटी को साथ में प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उस सपोर्ट दिस यंग आर्टिस्ट जो मेरे साथ में एसोसिएटेड थे. तो वहाँ पर कार्टिस का जन्म हुआ. बेसिकली वहाँ से कार्टिस एज अ फेस्टिवल टू सपोर्ट यंग आर्टिस्ट की स्टार्टेड और फिर जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बढ़ती गई. फिर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एज वेल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ करते जैसे कि हमने ऑटो रिक्शा पेंट करे और सिटी ऑफ जयपुर जहाँ पर हमने करीब 150 ऑटो रिक्शा पेंट करा विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव मूविंग आर्ट कंसेप्ट इंडिया में. उसके अलावा हमने यात्रा का भी बार आपको बताया था कैन इंडिया हमने आर्टिस्ट के का डिज़ाइन से यात्रा को जहाँ बहुत सपोर्ट मिला. उसके पीछे का जो मकसद मेन मकसद ये है कि इंडिया ऑटोमोबाइल के हिसाब से भी नया मिशन साहब पहले देखें कि इट वॉज ओनली विद महाराजाज एंड राजाज कार्स थी जो पुरानी ब्रिटिश कार्स थी और कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज के पास कार होती थी. कार वॉज अ ड्रीम फॉर एन इंडियन नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए कहना ड्रीम होता था कि कार आना. लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन 40 साल अगर पीछे देखते हैं जब से मालूम थी हिंदुस्तान में आई है एक क्रांति आ गई जहाँ पर कार नेसेसिटी बन गई मोबिलिटी का. इट इज नाउ नॉट मोर स्टेटस सिंबल इट इज यूज एज अ मोबिलिटी विच वॉज इज मोर मेन पर्पज. सो इस मोबिलिटी के साथ साथ कैसे एक आर्ट का फ्यूजन करा जाए वो प्रयास कार्टिस्ट अपनी जर्नी में कर रहा हूँ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कार का उदय तो गाड़ी होती है वो आपके साथ में 10 साल तक कितना बॉन्डिंग रहती है. सो इट्स एन इमोशनल बॉन्डिंग विद योर कार राइट एंड यू डोंट वांट टू स्क्रैप दैट कार. आप उसको गाड़ी को स्क्रैप में बेचना नहीं चाहते. तो व्हाट कार्टिस्ट कर रहे हैं कि आप गाड़ी मार्केटेबल हम उसमें से कुछ फर्नीचर बना कर आपको देते हैं और दैट कैन बी टेकन एज अ मेमोरियल फॉर योर होम. आप अपने घर में लगा सकते हैं अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और या जहाँ पर भी आपको लगता है कि इसका यूज़ हो सकता है क्योंकि एक यूजेबल चीज बन गई है. नाउ इट इज नॉट नो मोर अ मोबिलिटी बट इट्स अ यूजेबल थिंग विच यू कैन यूज इट योर ऑफिस घर या जहाँ पर भी आप यूज करना चाहते हैं. तो कार्टिस्ट का प्रयास ये है कि जो चीज़ हम कंज्यूम कर चुके हैं पहले से गाड़ी को जिस कंज्यूम कर चुके हैं उसका मेन मकसद था मोबिलिटी. जब उसका मकसद खत्म हो जाता है मोबिलिटी का तो उसका हम क्या कराए तो उस क्लाइमेट चेंज और उस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और उन चीज़ों के बारे में एड्रेस करते हुए हमने सोचा कि हम क्यों ना उस गाड़ी का ही सामान लेके कुछ फर्नीचर बना दें जो आप अपने घरों या ऑफिस में यूज़ कर सकते हो. मेन अब हमारी कोशिश ये है कि हम इसको कैसे और प्रयास करके कैसे और सॉल्यूशन से
लोगों के और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जरूरत पर पहुँचा सकें जो पुरानी कबाड़ होगी का है। सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत मेजर रोल है टू मेक पॉलिसीज। इफ द राइट पॉलिसी एंड राइट सपोर्ट कम फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिस कैन बी ए थिंग विच कैन चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द कंट्री नॉट ओनली विद द स्क्रैप व्हाट वी हैव बट ऑल्सो इट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल एंड इट कैन सपोर्ट यंग आर्टिस्ट एज वेल एज टॉपमैन ऑफ द कंट्री। एक प्रयास है जहाँ पर अगर सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साथ में आती है तो ये कई लोगों को रोजगार और है ना बहुत सारे आर्टिस्ट और डॉक्यूमेंट्स को एक ना अपने हुनर को आगे बढ़ाने का जरिया बन सकता है। ये हमारा प्रयास है, कोशिश चलती है।